देखिए, तमाम वो चीजें जो कि आप लोग समझते हैं जो कि जरूरी है, उनको इस तरह से एक दफा आपकी प्रैक्टिस में से गुजार दिया जाए कि चीजें जो है वो आसान हो जाए। मीनवाइल आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो है अभी कुछ ही देर में जो है हमारी नजर आना शुरू हो जाएगी। हम कुछ इस चैप्टर पे बात कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, जो रिकॉर्डेड सेशन भी आपके साथ शेयर किया, अगर आपने उसको अटेंड किया है आज की क्लास से पहले, अगर आप क्लास नहीं ले सके थे तो हमने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन के पहले 4 से 5 पॉइंट्स को समझने की कोशिश की और उसके बाद हमने कंक्लूजन को देखने की कोशिश की, क्या होता है ये कंक्लूजन, किस तरह से हमें इस पर मूव ऑन करना होता है, किस तरह से लेके चलना होता है, वगैरह वगैरह, इसको जो है वो हमने किया। हम कुछ यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है वो कर रहे थे और ये हमारे पास था। हमने जो है वो बल्कि ये एक्टिविटी कर ली थी। हम यहाँ पे थे इस एक्टिविटी पे, ठीक है, बल्कि इससे हम पीछे थे। ठीक है जी, हमारे पास ये थे कि रीड द 3 इंट्रोडक्शंस इन द यूनिट 8 एक्सरसाइज 3, और आपने बताना है कि इंफॉर्मेशन जो है उन पैराग्राफ में कौन सी है। एक दफा पहले से इन चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपने, अगर आपके पास चीजें जहन में नहीं है तो वो जरा रिवाइज हो जाए। वेल पार्टिसिपेंट्स, इंफॉर्मेशन जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हो पैसेज, उसमें इंट्रोडक्शन 3 तरह की होती है। एक तो आपके इंट्रोडक्टरी पैसेज जो है उसमें या तो आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट या स्टैट को बयान किया होता है, या आपने उसके अंदर कोई पर्सनल स्टोरी या एग्जाम्पल दी होती है, या तीसरे नंबर में उसमें आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सी कोटेशन होती है। तो आपने, आपके सामने मैं अभी 3 पैसेजेस जो है वो बताऊंगा। आपने उसमें बताना है कि क्या वो जो इंट्रोडक्शन है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट को रखता है, उसके अंदर जो है क्या आपको लगता है कि उसके अंदर कोई पर्सनल स्टोरी या एग्जाम्पल मौजूद है, या क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कोई कोई आपके पास जो इंटरेस्टिंग कोटेशन है। सो हमें इन चीजों को जो है वो देखने की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं, मूव ऑन करते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ ताकि हम जो है, ओके जी, सो स्टॉप शेयर। और अब हम जो है वो शेयर करना चाहेंगे पैसेज, जो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको देखें। अभी आपके सामने ये पैसेज आ गए। ओके जी, बिफोर आई ट्रेवल टू द यूके लास्ट ईयर आई थॉट दैट ब्रिटिश फूड वॉज जस्ट फिश एंड चिप्स। इसको कुछ देर के लिए आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। शाहान, आई थिंक आपका कैमरा गलती से ऑन है, आपका कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, सो इस पैसेज को जो है वो पढ़ना है, या मिस आयशा जो है वो इसे अगर एक रीडिंग दे सकें बुलंद आवाज से ताकि सभी जो है वो इसको सुन लें, उसके बाद हम इस पे डिसीजन लेते हैं कि ये क्या है। इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सो अभी ज्यादा विजिबल है जी। मिस आयशा, अगर आप इसे एक रीडिंग दे सके, मिस आयशा से देखिए। मिस आयशा नहीं दे सके, मिस जवेरी अगर आप इसे पढ़ सके। नईम साहब इसे पढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर आई ट्रेवल्ड टू द यूके लास्ट ईयर आई थॉट दैट ब्रिटिश फूड वाज जस्ट फिश एंड चिप्स, रोस्ट बीफ, एप्पल पाई, राइस पडिंग एंड एंडलेस कप्स ऑफ टी। दीज फूड्स आर पॉपुलर इन ब्रिटेन, बट ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स आई डिस्कवर्ड दैट देर इज सो मच मोर टू ईटिंग इन इन द यूके। People from all over the world. Thank you so much, Naeem sir. आप सब ने लिखा भी और यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आपके पास जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो रहा है। तो ये रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आपको जिस तरह से इसका पता चला कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो रहा है, इट मीन्स कि दूसरा जो है वो आपके पास जो इंटरेस्टिंग इसका जो फैक्ट हो सकता है। अभी हम एक दूसरा पैसेज जो है वो देखते हैं और दूसरे पैसेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा। ओके जी, ये हमारे पास पहला था। अभी हम जो है वो पैसेज भी मूव करते हैं। अच्छा जी, अब आप बताएंगे मुझे कि इस पैसेज में आपको क्या लगता है।
द पैसेज बी अभी आपने ये पढ़ना है, हम इसको जूम इन कर लेते हैं जरा ताकि सिर्फ पैसेज बी आपके सामने रहे। ओके जी, सो ये है एवरीबडी नोज, यहां से हम जो है वो इसे पढ़ेंगे। एवरीबडी नोज द कॉलर्स दैट स्वीट ऑस्ट्रेलियन एनिमल दैट रिसेम्बल्स अ टेडी बियर। ऑल्दो कॉलर्स लुक लाइक टॉयज, दे आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स एंड स्पेंड देयर डेज इन द ट्री टॉप्स। Mother koalas carry their babies around from tree to tree in a pouch or pocket or their stomach. Although there were millions of koalas in Australia in the past, they are now a protected species of animal. As a result of human population growth, deforestation and hunting, the number of koalas has declined. So what do you feel? Isme aisa kya bataya ja raha hai? Very good. Sirf do logon ko ye laga ke iske andar jo hai wo facts hain, bakiyon ka kya khayal hai? इस पे इसके बारे में क्या ख्याल है आयशा सदीका साहिबा का, क्या समझती हैं इकरा शहजादी जो हैं, और इस पे डॉक्टर जो हैं वो, अच्छा आपने कमेंट किया है इस पे, डॉक्टर हिम्मत जो हैं आपको क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? ओके दैट इज फैक्ट बेस्ड, ओके दैट इज परफेक्टली फाइन, ये आपके पास फैक्ट बेस्ड है। आप इस तरह से तीन तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो अपने एसेज का शुरू कर सकेंगे। ओके जी, लास्ट में हमारे पास जो है तीसरा जो सी है, इस पैसेज को पढ़ते हैं जी अरसलान साहब, अगर आप इसे एक रीडिंग दे सकें। अरसलान तारिक सर, ओके सो पार्टिसिपेंट्स शायद बिजी हैं या आप जो हैं कोई प्रॉब्लम है आपके, मिस मेमुना इसे पढ़ सकें, माइक इशू, ठीक है इस मेमुना का भी माइक इशू है, ये आप पढ़ सकेंगे। ओके नो वरीज ड्यू टू न्यू विंडोज अपडेशन। ओके चलिए इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। टॉयज्म इज एंशियंट फिलोसफी फ्रॉम एशिया दैट प्लेसेस ग्रेट इंपोर्टेंस ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। टूरिस्ट बिलीव दैट स्पिरिट कैन बी फाउंड इन एवरी पर्सन और थिंग। No worries, Mamona. Living or non-living, for the choice, even a mountain or stone contains spirit. Lao Tzu, a Taoist writer and the philosopher said. So, what do you feel? यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई experience है? कोई fact and figures में बताया जा रहा है? What it is? इसमें क्या है आपके पास में वो? Okay. या इसके अंदर आपको लगता है कि फैक्ट्स और कोटेशन दोनों हैं, क्या फील होता है आपको? फैक्ट्स एंड कोटेशन इसमें दोनों है। सो इस तरह से आपको पता चला कि आपने अपना इंट्रोडक्शन जब भी लिखना है आप अपना इंट्रोडक्शन तीन तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप उसके अंदर शामिल कर सकते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, दूसरे नंबर पर पर्सनल स्टोरी को, तीसरे नंबर पर इंटरेस्टिंग कोटेशन को शामिल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ तक जो है वो चीजें आपको समझ में आई। चलिए मूव ऑन करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी लुक एट द इंट्रोडक्शन। अभी आपके सामने हम एक ऐसे आपको दिखाने जा रहे हैं, आपने इस ऐसे को देखना है और आपने ये बताना है कि ये जो आपके पास ऐसे है इस ऐसे में आप जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्टिविटी होगी जिसे हम शेयर कर देंगे। ऐसे जो है वो एक दफा अगर आप देखना चाहें तो आपका ऐसे जो है कुछ ये है, इस ऐसे को शेयर कर देंगे। चेंजिंग इंग्लिश द अफ्रीकन अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है इसको हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। वेल ये एक्टिविटी जो है वो आप इसे करेंगे। नेक्स्ट हम कंक्लूजन को समझने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ये पॉइंट्स अभी के अभी याद करने की कोशिश किया जाएगा, समझने की कोशिश किया जाएगा। कंक्लूजन जब भी आपने लिखना है, फाइनल पैराग्राफ होता है कंक्लूजन, ये सबसे पहले आपने बात समझ लेनी है। फाइनल पैराग्राफ से मतलब ये है कि कंक्लूजन इस तरह से होना चाहिए कि इस कंक्लूजन के बाद कोई नई बात शुरू होती हुई नजर ना आए। कंक्लूजन इस तरह से होना चाहिए कि इस फाइनल पैसेज में जो आपने बात कह दी वो वही बात है जो आपके आपने शुरू की थी थीसिस स्टेटमेंट में। ये वही बात है जो इंट्रोडक्शन था, ये वही बात है जो आपने यहाँ से शुरू की। ऐसा नहीं
कि आपने यहाँ से प्रॉब्लम्स को शुरू किया और जाके कंक्लूजन के अंदर बात फिर आगे से आगे निकलते चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कंक्लूजन से कोई दूसरी बात नहीं निकलेगी, वो एक फाइनल पैराग्राफ होगा, आखिरी पैराग्राफ होगा। उसके बाद जो सारे के सारे आपने पॉइंट्स लिखे एक सीएसएस के पेपर के अंदर, आप जानते हैं कि कितने पैराग्राफ होने चाहिए, कितने पैराग्राफ होने चाहिए एक सीएसएस पीएमएस के पेपर के अंदर जो है। सीएसएस के पेपर में पहले हम आपसे पूछते हैं कितने पैराग्राफ होने चाहिए सीएसएस के पेपर के अंदर जो है, वो 18 to 25। मरियम बट साहिबा ने कहा कि मैं 20 पे रुका। वेल जवेरिया का आंसर जो है, और हाँ जी, जिनका 18 से 25 है, दैट इज परफेक्टली फाइन आंसर। आपके 18 से 25 होने चाहिए और पीएमएस में ये रेशो होनी चाहिए 15 से 20 के दरमियान। वेल पार्टिसिपेंट्स, ये जो जितने भी पैसेज लिखे हैं आपके कंक्लूजन वाला पैसेज, इन तमाम का मेन पॉइंट्स होना चाहिए। और जो बात आपने यहाँ पे की शुरू में की थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में, ये उसको रीस्टेट करे, उसको दोबारा से बताए कि हाँ जी ये बात जो आपने शुरू में की थी ऐसा ही है, और अब आपने उसको समअप कर दिया, अब उस बात के जो है वो साथ लाके आपने अपनी बात को कंक्लूड कर दिया। मूविंग ऑन, इससे जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो अब वो एक फाइनल कमेंट है, और मी एम्फसाइजेस एन एक्शन दैट यू वुड लाइक रीडर टू टेक। और आपने अगर कोई स्टैंड लिया है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे जो है वो एजुकेशन जो है को एजुकेशन के हक में है या को एजुकेशन के अगेंस्ट है, अब आपने वो इस तरह से पॉइंट्स बताने हैं कि आपका रीडर भी आपको लगे कि वो आपकी साइड जो है वो ले रहा है। ये चार के चार पॉइंट्स आपको अभी याद होने चाहिए। समराइज द मेन पॉइंट, रीस्टेट द थीसिस, फाइनल कमेंट और एक्शन को बताए। सो ये देखें वही बात जो मैंने पहले बताई थी, वो बात इन्होंने एंड पे यहाँ पे भी लिखी हुई है। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन द कंक्लूजन। आपने अक्सर देखा होगा ये ऐसे ही है जैसे आप किसी मुसाफिर को उसके घर से आप अपने जो है वो चलें, उसको बस स्टॉप तक छोड़ने चलें, और जैसे ही ट्रेन आए वो आपसे नई बात शुरू करे और ये कहे कि अच्छा मैं तो कोई बात भूल ही गया था, और वो दोबारा आपके साथ आपके घर पे चला आए, एक नई बात, एक नई डिस्कशन शुरू हो जाए, इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, इस तरह से नहीं करना। कंक्लूजन ने सिर्फ वही चीज़ें बतानी हैं, वही चीज़ें मेंशन करनी है जो कि ऑलरेडी उस ऐसे के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है। सो अगर हमें इन पॉइंट्स की समझ आ गई, यहाँ तक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम ढंग से समझ चुके हैं कि हमें कोई भी कंक्लूजन कैसे लिखना है, अगर ये हमें पॉइंट समझ आ चुका है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लुक एट द एसे इन द यूनिट 8 एक्सरसाइज 1 ऑन पेज 57 अगेन। जी ये वाला देखिए, मिसाल के तौर पे हमाद साहब, आप शायद मे एम्फसाइजेस ऑन एक्शन दैट यू वुड लाइक रीडर टू टेक। देखिए हमाद साहब, मेरे पास एक टॉपिक है कि मुझे ये बताना है कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान को किस तरह से डेट्रियोट कर रही है, कैसे जो है वो शरी बलूच जैसी खवातीन हैं जो कैसे जो है वो हमारे पास BLA जैसी तंजीम जो है वो पाकिस्तान को नुकसान जो है वो पहुंचा रही हैं। सो अब मैंने ये जो एक्शन है, मैंने इसको इस तरह से नरेट किया, इस तरह से बताया कि मेरा रीडर भी जो है वो इसके साथ मुझे एग्री करता हुआ नजर आए, या मेरे आर्ग्यूमेंट्स में इतनी जान होनी चाहिए कि मैं इस एक्शन को बताऊं और मुझे लगे कि मेरा रीडर इससे मुतासिर हुआ। वो एक अगर उसको साइड लेनी पड़े तो वो ये साइड को एडमिट करेगा। आई थिंक कि मैंने आपको आंसर कर दिया। जी पावरफुल आर्ग्यूमेंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके जी, अब हम एक ऐसे को देखेंगे। इस ऐसे में कंक्लूजन जो है आपने देखना है, अभी सिर्फ आपको फोकस होगा कंक्लूजन पे। आपने बताना ये है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं, कि क्या ये ऐसे समराइज कर रहा है, क्या ये थीसिस को रीस्टेट कर रहा है, क्या ये फाइनल कमेंट दे रहा है, या ये एक्शन को जो है वो इस तरह से बता रहा है कि रीडर इसकी साइड है। तो कंक्लूजन जो है, ये चार की चार टेक्निक्स जो बताई हैं, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो पूरी करता है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम फिर बाद में आते हैं, पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। अच्छा जी, ये आपके पास एक ऐसे है जो अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आया, जूम इन कर लें थोड़ा सा। जी अब हम जूम इन कर चुके हैं। ओके जी,
अच्छा जी, अब आप जरा गौर करें इसमें से। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे है, कौन सी लाइन ऐसी है जो कि थीसिस स्टेटमेंट है? थीसिस स्टेटमेंट आप बता सकते हैं? ओके जिन्हें नहीं पता चल रहा वो सिंपली लिख सकते हैं कि उन्हें नहीं पता चल रहा या दे आर अनेबल टू फाइंड इट, नोबडी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिन्हें पता चल रहा है कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है वो उसकी शुरू वाली और एंड वाले दो तीन वर्ड सिर्फ लिख देंगे ताकि उन्हें हमें समझ में आ जाए कि वो क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है, अनेबल टू फाइंड, ओके नोबडी, जिन्हें नहीं मिल रहा वो ये लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ ठीक है, सेकंड सेंटेंस ओके, फर्स्ट थ्री लाइंस आयशा सोटिका, ओके ओके जी। सो फर्स्ट टू लाइंस शाहान ठीक है, फर्स्ट थ्री लाइंस ओके। इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी वाली लाइन आप कहना चाह रहे हैं, ओके ओके जी। अब आपने जो भी थीसिस स्टेटमेंट सोचा था, चलिए मैं अब आपको ये नहीं बताता कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे है, अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी पे, इसी पैसेज चयन पे, और आपने देखना है कि जो भी थीसिस स्टेटमेंट आपने अभी सोचा जहन में, क्या कंक्लूजन में आपको वो नजर आता है? इसके कंक्लूजन वाले पैसेज को देखिएगा। सो अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, कहानी का अंदर जो ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रिक है क्या। अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें, समझने की कोशिश करें, ये कंक्लूजन वाला पैसेज है, चलिए ये कंक्लूजन वाला जो है वो पैसेज है जी। इस कंक्लूजन वाले पैसेज जो एक दफा हम पढ़ते हैं, एक दफा इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और चलिए इसको जो है वो नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश ऑब्स। English orbs, some of it, its interesting and colorful vocabulary to African Americans, existing ethnic group in the United States as well as new immigrants will surely continue to bring new words to English and give fresh meanings to existing words. Who knows what the cool words of tomorrow will be? Well, जी आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी लम्हा भर के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शायद ये पहले वाली जो लाइन है इसमें देखिएगा, क्या आपको ये जो दूसरी लाइन है, however English vocabulary has also been influenced by other countries and group of people, अगर जरा आप इसे गौर से पढ़ते हैं, ये वाली जो लाइन है, जो दूसरी लाइन है, अगर आप इसको पढ़ते हैं और इसके बाद दोबारा से आप अपनी जो है वो इसके कंक्लूजन को पढ़ते हैं, आप क्या फील करते हैं कि कंक्लूजन के अंदर और इस लाइन को जो है उसने रीस्टेट नहीं किया, उसने दोबारा नहीं बता दिया। कंक्लूजन को देखेगा ये, अब दोबारा से यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा एंड वाली लाइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, या यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज न्यू इमिग्रेंट विल श्योरली कंटिन्यू टू ब्रिंग न्यू वर्ड्स टू इंग्लिश एंड गिव फ्रेश मीनिंग्स टू द एग्जिस्टिंग वर्ड। सो दिस इज समथिंग, एक पहली टेक्निक आपने देखी, जब ऐसे उसने शुरू किया, जो बात उसने यहाँ पे शुरू की वही बात उसने कंटिन्यू रखी यहाँ से और, वो इसी बात को जो है वो आगे तक लेके चलेगा ठीक है। सो और जब हम जो है वो इन चीजों को समझते हैं, इसमें कौन सी टेक्निक यूज की हुई है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दर हकीकत हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है, डज द कंक्लूजन यूज एनी ऑफ द फोर टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड अबव। पहली टेक्निक आपके पास थी कि समराइज द मेन पॉइंट, दूसरा रीस्टेट द थीसिस, तीसरा मेक ए फाइनल कमेंट, और चौथा जो है कि वो रीडर को साइड ले रहा। आपको क्या लगता है इस कमेंट को पढ़ने के बाद कि इसमें कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की गई है, ये कंक्लूजन को पढ़ने के बाद जो है वो? सो हमें ये समझ में आता है कि इसमें जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया है ठीक है।
हमारे पास जो सेकंड है यानी कि रीस्टेट द थीसिस यूजिंग डिफरेंट वर्ड, उसने उसको बताया। सो पार्टिसिपेंट्स, अब आपने भी अपना लिखना है ऐसे सीएसएस पीएमएस का, ये चार तरह से आपने अपने ऐसे को कंक्लूड करना है। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। सो विच सेंटेंस इन द कंक्लूजन रीस्टेट द थीसिस, चलिए देखते हैं आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है, वैसे मैंने पहले मैंने भी मेंशन किया, जो एग्जैक्टली उन लाइंस को मेंशन करता है कि जो रीस्टेट कर रहा है थीसिस को। सो यहां पे चलते हैं। जी हमें जो है वो कौन सी एग्जैक्ट लाइन है जो कि इसको रीस्टेट कर रहा है। जी जवेरिया करीब करीब है, मैंने एक लाइन मेंशन की थी लेकिन एक लाइन उससे पहले भी है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रही है। हम अगर ये कह लें कि हमारे पास जो सारे का सारा ये पैसेज है और स्पेसिफिकली जो पहली लाइन है यहां से लेके यहां तक ये सारे का सारा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इंग्लिश ऑफ से ऑनवर्ड जो है वो ये सारे का सारा रीस्टेट कर रहा है, रीस्टेट कर रहा है। सो आपको पता चल गया कि जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे कंक्लूजन को लेके। चलिए इस एक्टिविटी को हमने कंप्लीट किया, एक अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब मजे की बात यह है कि आपको इंट्रोडक्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ये है यहाँ पे इंट्रोडक्शन एसेज के, और दूसरी तरफ जो है कंक्लूजन है। ठीक है, उसने ये बताया कि इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट विद इस रीरिटन वर्जन ऑन ए कंक्लूजन, आपने इसको मिलाना है पहले वाले को, जैसे मैं मिलाने की कोशिश करता हूं कि अगर सुपरमार्केट्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू बाय फूड बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस एंड लोअर प्राइसेस। ठीक है, मुझे लगता है कि इसका कंक्लूजन जो है वो शायद यहाँ पे होगा, द फैक्ट दैट लार्जर सुपरमार्केट्स ऑफर चीप प्राइसेस इन अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेक देम द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपर्स। सो दिस इज समथिंग, इस तरह से एक आगाज से हमने पॉइंट को लिया और उसे एंड पे मिलाया। अब आपने जरा बताना है, ओके ये मैं जरा इसको नीचे थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ और ये आप जो है वो, अच्छा जी बी का पॉइंट जो है वो आपने बताना है कि हम बी जो है इसको, अच्छा थोड़ा सा ना इसे जूम आउट करते हैं ताकि सारी स्क्रीन आपको नजर आ सके। ओके जी, सो अभी सिर्फ हमने जो है वो जानना चाह रहे हैं बी को, तो बी को जो है किसके साथ हम मिला सकते हैं, बी का आप क्या समझते हैं कि कौन सा जो है वो लाइन इसकी इसके साथ जो है वो हम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ मिलते हैं। ट्रैवलिंग अब्रोड इज अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस, सो वेरी गुड जी, जिनका आंसर है बी को, वन से पीपल कैन लर्न मैनी थिंग्स बाय ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज। ओके जी, अभी हम सी का पूछना चाह रहे हैं। सी है लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, ये थीसिस स्टेटमेंट है, इसका कंक्लूजन क्या होगा। जी जी, जो पार्टिसिपेंट्स आंसर नहीं दे रहे वो भी अगर इसको मिलाएंगे तो दे विल कम टू नो कि वो कहाँ पे खड़े हैं। क्वेश्चन ये है आपसे कि आपका जो पहला पॉइंट है ये आपके पास थीसिस स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन थीसिस स्टेटमेंट्स को आपने मिलाना है किनके साथ, इनकी कंक्लूजन के साथ। जी जिनका सी का आंसर 5 है दैट्स परफेक्टली फाइन। चलिए डी का देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है, क्रिएटिंग एंड ऑनिंग ए बिजनेस offer more advantages than working as an employee in a company. Very good, that's perfectly fine. बहुत ज्यादा participants हैं माशाल्लाह से जिन्होंने इसको पहले किया। और E का क्या लगता है जी, E का आपको क्या है, मोहम्मद नईम का सबसे पहले आंसर आया कि E का जो है उन्होंने बताया 6 है। okay. जी नईम के अलावा बाकी कोई इसको अगर हल कर पाया हो। ओके जी, और लास्ट पे एफ है हमारे पास जो है, द वर्ल्ड वाइड वेब कैन बी वेरी यूजफुल फॉर रिसर्चेस बट इट इज आल्सो कंटेन लॉट ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। सो ये हमारे पास हो एफ जो है वो कहाँ पे जाएगा, 4 के साथ। वेरी गुड जी, सो पार्टिसिपेंट्स ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ओके जी, सो
इसमें हमने ये देखा कि आपने किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक पहुंच गए। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रीड पैराग्राफ इन अ यूनिट 8 एक्सरसाइज 3। ओके जी, ओके। अब आपके सामने तीन जो हैं वो पैसेजेस हैं, तीन पैराग्राफ हैं, ठीक है। सो मान लीजिए हम इन पैराग्राफ्स को जो हैं वो दोबारा से देखते हैं। आपने बताना है कि इनमें से बेस्ट जो है आपका कंक्लूजन कौन सा है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इस एक्टिविटी को थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। चलिए जूम इन, जूम आउट करते हैं। आप जूम इन करना चाहें तो आप आसानी से अपनी स्क्रीन को जो है वो पिंच करके जूम इन कर सकते हैं। मैं जरा इसे जूम आउट करना चाह रहा हूँ। ओके, आपके सामने तीनों पैसेजेस में वो आ गए हैं। डिसाइड करना है कि कौन सा जो है वो कंक्लूजन सबसे बेहतर है। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसे वॉलंटियर हैं जो रीड कर सकें, क्योंकि नईम जो है वही सिर्फ पढ़ रहे हैं। नईम के अलावा कोई ऐसे हमारे पास कॉन्फिडेंट राइटर हैं जो कह सकें कि सर मैं भी पढ़ सकता हूँ या मैं भी पढ़ सकती हूँ, ताकि हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करें। हम फिर जिन पार्टिसिपेंट से कहते हैं, किसी के पीछे नॉइस होता है या कुछ जो है वो शायद इनके मिल हैं। सो नईम के अलावा कोई ऐसे और भी बाहिम्मत लोग हैं हमारे पास जो हैं? डॉक्टर साहब हैं, ओके जी। डॉक्टर साहब के अलावा जो हैं और सिर्फ दो बहादुर लोग हैं हमारी क्लास में, ओके जी, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, शाहान भी हैं, वेरी गुड। अरसलान साहब भी हैं, ओके अरसलान साहब, ओके हमाद साहब भी, वेरी गुड जी। ए लॉट मेनी ब्रेव पीपल आर हियर इन द क्लास। चलिए एक एक पैसेज हम करते हैं। हमाद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, वो पहला पैसेज पढ़ेंगे। जब हमाद साहब पढ़ रहे होंगे, आपने कंक्लूजन पे जो है वो गौर करना है कि कौन सा पैसेज ऐसा है जिसका कंक्लूजन सबसे बेहतरीन है, और वो कंक्लूजन बेहतरीन होने की निशानी क्या होगी। चार जो हैं वो निशानियां इसके जो हैं वो हैं, जो हमने पहले भी देखी हैं कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो इन पे पूरा उतरना चाहिए उसको, ये वाला जो है वो समराइज थीसिस को, फाइनल कमेंट को और सारी चीजों को बताए, ठीक है जी। सो जी डॉक्टर साहब, इस पे अभी हम जो हैं वो वन बाय वन बात करेंगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जो है वो कमेंट है जी। हमाद साहब आप इसे पढ़िएगा प्लीज। पहला पैराग्राफ सर। जी जी। द ब्रिटिश ईट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बट द टिपिकल डाइट ऑफ मेनी पीपल इंक्लूड्स ईटिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड रेडीमेड डिशेस। द पॉपुलैरिटी ऑफ हैमबर्गर एंड पिज्जा रेस्टोरेंट्स हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली ओवर द इयर्स। As a result of this diet, many British people have food-related health problems. To create healthier society, people should learn about eating a good diet and should teach their children to do the same. अच्छा जी, इसमें पहले हम जो हैं वो yardstick जो है वो मेयर करते हैं जी। हमारा आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें देखिएगा, यहाँ से हमें जो है वो मिल जाती हैं, यहाँ तक हमारे पास जो है वो पहली लाइन में अमूमन हमारे पास होती है the thesis statement. तो ये एक थीसिस स्टेटमेंट है यहाँ तक जो है वो इसकी। तो क्या एंड पे जो है ये आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट में जो पॉइंट्स बयान किए गए हैं हमने उसको देखना है। द ब्रिटिश ईट मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, बट द टिपिकल डाइट ऑफ मेनी पीपल इंक्लूड्स ईटिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड रेडीमेड डिशेस। तो क्या ये जो है हमारे पास ऐसी ही बात हो रही है जो ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं? आप क्या फील करते हैं कि एंड पे उन पॉइंट्स को दोबारा से रीस्टेट किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है एंड पे? आपके आइडियाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, कईयों को अगर यस लग रहा है तो कुछ को मुख्तलिफ भी नो भी हो सकता है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो है वो रीस्टेट किया जा रहा है? ओके, हमाद का पॉइंट है नो, पहला पॉइंट नो है, और मेरा भी वोट नो की तरफ है। मुझे भी लगता है कि इसमें रीस्टेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की बात हो रही है, और यहाँ पे जो है ये कुछ लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पे डाइट की बात हो रही है, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रेडीमेड डिशेस की बात हो रही है और यहाँ पे कुछ टीचिंग की बात हो रही है। तो ये जो है वो मेरा वोट नो की तरफ है। और हमें आपको ये शायद जान के खुशी होगी कि ये जो हमारे इस तरह से हमने अभी ये फाइंड आउट किया है, ये एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है, जिसमें हमने रीस्टेट नहीं किया, जिसमें हमने चीजों को नहीं बता सके, जिसमें थीसिस स्टेटमेंट को और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें सम अप नहीं कर सके, ये एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है। इन तीनों में से हमें एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा और वो हमने फाइंड आउट करना है वो कौन सा वाला है,
चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड की तरफ जो है वो जी वो कुछ डिफरेंट जो है वो कह रहे जी डॉक्टर हेमंत साहब जो हैं आप अगर पढ़ सकें सेकंड पर हमारे साहब आपको क्वेश्चन है तो हम आपसे आपको जरूर अनम्यूट करते हैं जी डॉक्टर हेमंत साहब इसे पढ़ सकेंगे सेकंड पैसेज को Clearly, it is a difficult to say that there is one type of British food. Every part of the country has its own special dishes based on the cuisine and taste of that region. From the ancient Britons and Romans, Saxons and Viking religions to the present day immigrants, the cuisines of UK continue to change with its changing population. Okay. So, हमारे पास जो है पैसेज भी अब हमने पढ़ा मुझे सिर्फ दो चीजों को बताइएगा कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जब हम कंक्लूजन को पढ़ते हैं फ्रॉम द एंशिएंट ब्रिटन्स एंड रोमन्स सैक्सन एंड वाइकिंग्स इन्वेजन्स टू प्रेजेंट डे इमिग्रेंट्स द क्यूजिन ऑफ यूके कंटिन्यूस टू चेंज विद दिस चेंजिंग पॉपुलेशन सो एवरी पार्ट ऑफ कंट्री हैज स्पेशल डिशेस क्या आपको लगता है कि पैसेज बी ने वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो बताई है जो जो कि फूड के मतलब है और जो पहले इसमें बताया उसने कि स्पेशल डिशेस की बात की और उसने तमाम कल्चर्स को ढंग से एक्सप्लेन करके कंक्लूड किया सो व्हाट डू यू फील कि पैसेज बी का जो कंक्लूजन है क्या ये एक अच्छा कंक्लूजन है सो जी डॉक्टर हेमंत साहब को लगता है कि एक अच्छा कंक्लूजन नहीं है ठीक है नो नो ओके हमारे पास लॉट मेनी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि ये एक अच्छा कंक्लूजन नहीं रीस्टेट किया जा रहा है टू सम एक्सटेंट चलिए हम जो हैं वो सी की तरफ बढ़ते हैं ओके जी सो हमारे पास ये जो सी है अब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पॉइंट सी जो है वो कौन सा एक्सप्लेन किया गया सो आयशा फहद अगर इससे पढ़ सकें पीपल हु हैव जी आयशा जो है वो नहीं पढ़ सके इसे नईम जो है वो इसे पे पढ़ेंगे People who have come from other countries to live in the UK have brought their own traditions and customs with them and added them to British culture. It is possible to find restaurants from all different ethnic backgrounds, especially in larger cities around the country. Immigrants may also maintain their traditions by building places to practice their religion, such as mosques, temples, and churches. By continuing to follow some of their customs and beliefs, immigrants can stay in touch with their past while also living in a new life in a new country. Thank you so much. So, respective participants, आपको इसको पढ़ने के बाद क्या फील होता है? कि क्या इसका कंक्लूजन जो है वो रीस्टेट कर रहा है सारी चीजों को क्या ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या इसके अंदर जो है वो चीजें जो उसने शुरू में बताई और उसके बाद एंड पे लेके आया कि किस तरह से वो कस्टम्स को लेके आता है सो ये हमारे पास जो है एक अच्छा कंक्लूजन है जिसमें हमारे पास उसने शुरू किया थीसिस स्टेटमेंट ये थी कि पीपल हु हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू लिव इन यूके हैव ब्रॉट देयर ओन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स विद देम एंड एडेड देम टू ब्रिटिश कल्चर मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मुनीब उनका नाम है 16 फरवरी को वो यूनिवर्सिटी यूके में चले गए ब्रेडफोर्ड सिटी के अंदर जो है उन्होंने ये उनकी जिंदगी का पहला सफर था मुझे ये कल्चर से जो है वो याद आया कल्चर एंड ट्रेडिशन से उन्होंने मुझे वहाँ पे पहुँच के कॉल किया कि मैं जो है वो खैरोफियत से पहुँच चुका हूँ वो मैं बड़ा खुश हुआ कि चले अल्लाह ताला की ज़ात का करम है कि आपने आसानी से वहाँ पे पहुँच के वो बड़े सादा लोग इंसान थे मैंने कहा जी ठीक है अब आप अपना सामान वगैरह लेके जो है वो अपने रूम में चले जाइएगा उन्होंने कहा सामान उफ मेरे खुदा सामान तो मैं बस में भूल गया ठीक है तो लाइक देयर वाज अ शॉकिंग मोमेंट फॉर मी तो मैंने कहा कि यार ये कैसे हुआ फिर मैंने उन्हें कहा कि उन लोगों की ट्रेडिशंस और कस्टम्स ऐसी हैं कि आपका सामान कहीं नहीं जाएगा आप जो हैं वो मूव करें इनके ऑफिस की तरफ और इनके ऑफिस में जब आप जाएंगे जो भी ट्रांसपोर्ट है तो वहां से आपको मिल जाएगा फिर मैंने उन्हें नंबर वगैरह दिया और सारी की सारी डिटेल्स बल्कि खुद कॉल करके किया अब वो पाकिस्तानी कल्चर से मेरा दोस्त जो है वो गया हुआ था
मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो वहाँ से भी जाते हैं। ब्रेड फूड के अंदर ना अगर आपको कोई जानने वाला वहाँ पे होगा, आपको पता होगा कि वहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, ठीक है। वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं जो कि वहाँ पे चले जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और साथ में अपनी स्टडीज को मेंटेन करते हैं। सो फेलोज याद रखिएगा, जब आप कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो बिलीव्स हैं जो कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो अपने साथ लेके आते हैं। सो हमारे पास ये वाला कंक्लूजन एक ऐसा कंक्लूजन है कि जो कि सारे के सारे पॉइंट्स को मेंशन कर रहा है। सो सी जो है वो हमारे पास द बेस्ट है, वो इसका कंक्लूजन। एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद करेंगे। लुक एट द कंक्लूजन ऑफ द एसे यू रूट फॉर यूनिट 9 विद अ पार्टनर, रीड एट द कंक्लूजन मेकिंग चेंजेस टू इम्प्रूव इट, इसको करेंगे। अभी हम एक पजल की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। हमारे पास जो है वो ये पजल क्या, इसको देखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है जो जितनी चीजें हमने समझी हैं उन समझने के बाद इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे और फिर हमारी जो है वो दो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। लेकिन उसके लिए हमें सेशन को दोबारा